देखो व्यूअर्स कैसे हैं सब, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। लास्ट वीडियो मैंने इस पेंटिंग की लगाई थी जिस पे कमेंट आया कि हमने इतना बड़ा सर्कल बनाना हो तो हम किस तरह से बनाएंगे। जरी पता है कंपस के साथ सबसे बड़ा भी अगर बनाने लगे तो हमारा इतना लंबा है, मैंने इतने बड़े सर्कल बनाए हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको कार्डबोर्ड, नहीं सॉरी, एक हार्डबोर्ड, कोई भी हो, ये हार्डबोर्ड है, ये देखें काफी हार्ड, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, एक हमें चाहिए एक ये पिन, जिसको हिजाब पिन कहते हैं, ये देखें, ये वो जो हार्ड वाली होती है ना, ये वो वाली है, ठीक है, ये चाहिए। और अगर आपने ये जो सर्कल है पेंसिल से बनाने हैं तो पेंसिल, नहीं तो अगर मार्कर से बनाने हैं तो मार्कर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने अगर छोटा सर्कल बनाना है तो आपने यू अपने ये ओके यू आपने अपने हार्ड बोर्ड में इस तरह सुराख कर लेने हैं, जितना आपको सर्कल बड़ा बनाना है आपने उस हिसाब से इसमें सुराख कर लेने हैं, ठीक है। मैंने ये सुराख पहले ही किया क्योंकि मैंने ये देखिए सर्कल बनाए हुए हैं, ठीक है। अब अगर मेरे पास ये इसकी लेंथ छोटी थी तो मैंने क्या किया, मुझे इससे भी लंबी चाहिए थी, मैंने इसके साथ ये देखिए ये मैंने इसके साथ जोड़ा, इसको लगाई टेप, इसको अच्छी तरह से टेप लगा के इसको मैंने लंबा कर लिया, ये ही लेना, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये हमें पिन चाहिए, ये पिन, इस पे मैंने सुराख किया कैंची के साथ, यूं कैंची लेके ना, ये देखिए अगर इसके अंदर सुराख आपको करके दिखाऊं, ये देखें ये हो गया सुराख, ठीक है। अब जिस लेंथ का आपको चाहिए आपने उस हिसाब से सुराख कर लेना है। और फिर क्या करना है हमें, ये अच्छा हमने जिस सीध में बनाया है, एक एक अगर सुराख इधर है तो इस सीधी लाइन में हमने सुराख बनाना है, ये नहीं कि एक इधर बनाया तो हम एक इधर बना रहे हैं या इधर बना रहे हैं, बिल्कुल जितनी को सीधा हो सके उतनी सर्कल सही बनेगा आपका, ठीक है। हमने अब ये पिन इसमें डाली और जहाँ पे हमारा सेंटर था ये वहाँ पे हमने ये पिन डाल दी। अब हमने क्या करना है, हमने अपना मार्कर लेना है, हमने एक सुराख में जो कि मैंने मार्कर के लिए मोटा किया रखा हुआ था, ठीक है, इसमें डाला, इसको सेंटर से पकड़ के रखना है, ठीक है। ये ठीक है, ये यूं सर्कल पूरा बन गया, ये पूरा सर्कल यूं बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं आपको ना इस पे तो आपको नजर ही नहीं आ रहा होगा ना, मैं आपको उस पे दिखाती हूँ, इसी अगर हम इसकी बात करें, इस पे तो हमारा छोटे से भी काम चलेगा इसलिए हम छोटे ये हमने लगा लिया, हमने जहाँ भी सर्कल बनाना है उसके अंदर यूं डाला। अब हमें चाहिए एक पेंसिल, ये देखें। अच्छा, हमने अगर हम अभी तो मेरा नीचे टेबल है ना, टेबल से ये पिन हिलती है, मैं जो वैसे सर्कल बनाती हूँ तो वो मैं कारपेट के ऊपर रख के बनाती हूँ, ठीक है। वो कारपेट के ऊपर यूँ होता है कि ये पिन ना कारपेट के अंदर चली जाती है, काफ़ी हद तक अंदर चली जाती है, तो ये जो ये हिल रही है ना ये हिलती नहीं है, तो ये हिलने की वजह से ये थोड़ा सर्कल का में फ़र्क आया ना, ये सिर्फ पिन नीचे से ना हिल रही है, इसीलिए अगर नीचे कोई चीज़ हो जैसे कि कारपेट या कोई भी चीज़ जिससे ये पिन अंदर अंदर चली जाए तो ये फिर हिलती नहीं है, ठीक है। तो या तो आप पिन छोटी ले लें फिर भी नहीं हिलेगी, मेरी पिन भी बड़ी थी तो हमने इस तरह सर्कल बनाया। इसी तरह लंबे आपने, अब आप सोच रहे होंगे कि हम अगर हमारे पास कार्डबोर्ड नहीं है तो
अच्छा अगर अभी आप सोच रहे होंगे हमारे पास हार्डबोर्ड नहीं है तो हम कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी गत्ता यूज़ कर सकते हैं। नहीं, हम ना इस तरह का गत्ता यूज़ करेंगे और ना ही इस तरह का कार्डबोर्ड यूज़ करेंगे। उसकी रीज़न क्या है? अगर तो आपने पेंसिल के साथ बनाना है ना, फिर तो काम कर देता है, हम सुराख कर लेते हैं इसमें। ठीक है, हमने ये किया, लेकिन जब हम इस गत्ते को यूज़ करेंगे मार्कर के लिए तो होता ही है, ये देखें, ये किया। अब हम जब थोड़ी देर यूज़ कर लेते हैं इसको, उसके बाद ये जो इसके होते हैं साइड्स होती है, ये नरम हो जाती हैं क्योंकि इसको इंक लगती है, ये गीली हो जाती है और ये इसका सुराख थोड़ा थोड़ा खुलने लग जाता है। तो जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें सर्कल में ज़रा गैप आ जाता है। ठीक है, तो हमने ना कार्डबोर्ड यूज़ करना है, ये वाला गत्ता तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। ये वाला अगर करना चाहे तो थोड़ा बहुत कर लें, लेकिन ये भी बार बार यूज़ नहीं होता क्योंकि इसमें ना सर्कल में फ़र्क आ जाता है। और ये वाला तो आपने बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है, इसमें तो बहुत जल्दी एकदम ही गीला हो जाता है इंक से और बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है बाद में सर्कल। तो आप अगर कार्डबोर्ड यूज़ करते हैं ना हार्डबोर्ड यूज़ करते हैं तो ही आपके लिए बेस्ट है सर्कल बनाने के लिए। इसी तरह हम मार्कर में, मैंने कुछ सुराख पतले बनाए हैं, कुछ सुराख मोटे बनाए हुए हैं, ये देखें यहाँ पे मार्कर, और ये मार्क गीले होने से ख़राब भी नहीं हो रहा और सेम साइज़ का रहता है।